प्रकार के जूइट्स जैसे कि पॉलिप है, हाइड्रेंथ, ब्लास्टोसिल्स, गोनोजोइट्स, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोजोइट्स, मेडुसा आदि पाए जाते हैं। और इसका आकार एक प्रकार से ट्री लाइक, एक तरह की ये निवह या कॉलोनी बनाता है, और उस पे जो आवरण पाया जाता है वो पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कोशिकाएं दो स्तरों में व्यवस्थित रहती हैं। बाहर जो स्तर पाया जाता है वो एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसे एंडोडर्म कहते हैं। इन दोनों ही स्तरों के बीच में एक अकोशिकीय यानी कि नॉन सेलुलर स्तर मीजोग्लिया पाया जाता है। दोनों कोशिकीय स्तर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, और इन्हीं में संवेदी तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है। बोथ द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स टू कैटेगरीज आर फाउंड, द सेंसरी सेल्स एंड द नर्व सेल्स। सबसे पहले हम सेंसरी सेल्स यानी कि संवेदी कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल मसल सेल्स इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर, यानी कि ये कोशिकाएं ओबिलिया के दोनों स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाई जाती है, और ये कोशिकाएं पतली और तर्कुरूपी होती है। ये शरीर के अंदर एक तंत्रिका का जाल बनाकर फैली रहती है, और ये कोशिकाएं एंडोडर्म की अपेक्षा एक्टोडर्म में ये अधिक पाई जाती है। एक्टोडर्म में भी ये जो टेंटिकल्स के आधार पर या फिर जो कोन होता है वहां पर इसकी संख्या अधिक होती है। मॉडिफाइड न्यूरल प्रोसेस और फिलामेंट्स ओरिजिनेट एट द प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम। ए लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंसरी सेल। यदि हम कि एक सेंसरी सेल की संरचना के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर मध्य भाग में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रत्येक जो सेंसरी सेल होती है ये कोशिका कला के भीतर धंसकर एक प्याले के समान संरचना बनाती है, और इस प्याले नुमा गर्त में एक जो रोम के समान प्रवर्ध निकला रहता है उसे हम सेंसरी हेयर या सीलियम कहते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। इस कोशिका के अंदर इसके अधर छोर से एक या अधिक धागेनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, और इनके अंतिम छोर पर यानी कि इसके नोड्यूलेटेड प्रोसेस पर ये फूल कर एक संरचना बनाते हैं जिसे संवेदी प्रवर्ध भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, और संवेदी कोशिका का जो संवेदी रोम है वो एक बेसल ग्रेन्यूल से विकसित होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो एक सामान्य सीलिया की तरह ही होती है। सेंसरी हेयर्स दैट एग्जिस्ट एट द एपिकल एंड ऑफ द सेल आर बेसिकली सीलियम एंड आर स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ 9 पेरीफेरल एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। एक सामान्य सीलिया की जैसे संरचना होती है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 9 जो तंतु फाइबर होते हैं वो पेरीफेरल होते हैं, और 2 सेंट्रल इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो छोटे वेसिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। द नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स इज रिलेटिवली हाई कंपेयर टू द एक्टोडर्म। सेंसर सेल्स एक्ट एज द एप्रोप्रिएट रिसेप्टर फॉर द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज द टच, एक्शन, टेम्परेचर, एडजस्टमेंट एंड केमिकल्स। क्योंकि ये कोशिका एक तरह से संवेदनाग्राही या संवेदी न्यूरॉन की तरह कार्य करती है, इसलिए ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उन्हें आगे प्रसारित भी करती है। इसका मतलब है कि ये जो वातावरण में होने वाले विभिन्न उद्दीपन होते हैं उनके प्रति ये संवेदनशील होती है, जैसे कि स्पर्श है, लाइट है, टेम्परेचर है, कोई किसी प्रकार का केमिकल है या टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन है, उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है।
द सेंसरी सेल्स डज एक्ट एज द रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन दैट इज इट ऑल्सो प्रोपगेट्स आफ्टर रिसीविंग द इम्पल्स। दूसरे प्रकार की कोशिका है वह है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट रिजिड्स एंड ग्रूव्स एंड द न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड ओवल इन द शेप। इस तरह की जो कोशिकाएं होती है वो सिलेंट्रेट के सदस्यों में ही पहली बार देखी गई है, उनमें ही विकसित हुई है ये। आकार में छोटी होती है और ये एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों ही प्रकार की लेयर में पाई जाती है। ये मीजोग्लिया के समीप पाई जाती है और स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये कोशिकाएं बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के समान होती है और इनमें मध्य में एक कोशिका काय पाई जाती है और कोशिका के विभिन्न ध्रुवों से कई प्रकार के ब्रांचेस कुछ आउटग्रोथ निकले रहते हैं। राइबोसोम ऑल्सो अकर इंडिपेंडेंटली इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया मे बी प्रेजेंट इन क्लस्टर और स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी दोनों ही प्रकार की इसमें सभी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। ये एक नर्व सेल का चित्र है जो कि मिलकर यहाँ पे नर्व नेट का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिका से ही जो प्रवर्ध निकले रहते हैं इन्हें न्यूराइट्स कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के कोशिकाकाय में केंद्रक और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनके अलावा भी बहुत सारी माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती है और इन कोशिकाओं के जो प्रवर्ध होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं बल्कि ये आपस में सिनेप्स का निर्माण करते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ नर्व सेल्स इंटर कनेक्ट एंड फॉर्म अ न्यूरल नेटवर्क दैट इज लोकेटेड इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड विच आर जस्ट आउटसाइड द मीसोग्लिया। द फाइबर्स ऑफ नर्व सेल्स कनेक्ट टू ईच अदर एंड टू द फाइबर्स ऑफ सेंसरी सेल्स बाय द सिनेप्स। यानी कि इसके प्रवर्ध आपस में जुड़ते नहीं हैं बल्कि ये आपस में सिनेप्स का निर्माण करते हैं और इस तरह से ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर एक तंत्रिका का जाल बनाती है जो कि नर्व नेट कहलाता है। एंडोडर्म में भी इसी तरह की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है जो कि मीसोग्लिया के उस पार एक तरह का नर्व नेट बनाती है। दोनों तंत्रिका जाल आपस में कई प्रकार के प्रवर्धों के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये स्पर्शकों के आधार भाग हाइपोस्टोम या फिर जो मुख्य शंकु जो होता है वहाँ पर ये ज़्यादा उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं की उत्पत्ति अंतराली कोशिकाओं से मानी गई है और कुछ तंत्रिका कोशिकाओं से एक प्रकार का सिक्रेशन जो होता है वो भी निकलता है। इन कोशिकाओं को हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कह सकते हैं। इनमें जो नर्व रिंग होती है वो एक प्रकार की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेटेड बाय द लोअर नर्व रिंग अकर ओकेजनली कंपेयर टू द वर्क ऑफ द पेस मेकर ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। इस प्रकार से यदि हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये कोशिकाएं शरीर की जो अन्य कोशिकाएं होती है उनके संपर्क में रहती है और ये कोशिकाएं आवेग जो होता है इम्पल्स जो होता है उसके प्रसारण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का कार्य करती हैं। ओबिलिया मेडुसा में संवेदी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो पॉलिप की तुलना में ये अधिक विकसित होती है क्योंकि मेडुसा एक स्वतंत्र जीवक है लेकिन पॉलिप जो होता है वो एक निवर यानी कि कॉलोनियन फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ओबिलिया में
किस प्रकार से एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, और ये इसके अंदर नर्वस सिस्टम का कार्य करते हैं। थैंक यू।